यार बहुत नीचे आ गया, पानी कहाँ है? सारा व्यू ब्लॉक हो रहा है, हमें नीचे उतरने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली पहुंच चुका हूं अभी पहाड़ों में, डायरेक्टली फ्रॉम द डेजर्ट मैं आ चुका हूं उत्तरकाशी रायथल में। यहां से एक ट्रैक स्टार्ट होती है दयारा बुग्या से कम ये ऑल ओवर 12 से 13 किलोमीटर की ट्रैक है। 12,000 फीट एलिवेशन है इसका, और मेरे साथ मेरा दोस्त हरप्रीत। तो लगभग बच चुके हैं 3, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और देखते हैं जहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा स्पॉट लेके हम वहाँ पे अपना कैंप लगाएंगे। सुनने में आया कि बहुत सारे बंदे ऊपर है, क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम है तो ऑब्वियसली टूरिस्ट तो होंगे ही। तो हम अपने लिए कोई आइसोलेटेड जगह देख के वहाँ पे हम टेंट लगाने की कोशिश करेंगे, पर ऊपर जाके देखते हैं कैसा है माहौल। तो चलो फिर ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अब तक पूरा रास्ता ऐसा ही है, स्टेप बने हुए पर स्टीप है, तो आई एम नॉट श्योर ये ऊपर तक ऐसे ही जाएगा या क्या है। तो चलते चले जहाँ शाम होगी, आई मीन शाम होने वाली होगी, वहीं पर टेंट गाड़ेंगे, रुकेंगे रात का और फिर निकल पड़ेंगे कल सुबह समय की तरफ। हमें अभी पता चला, अभी जस्ट हम 2 किलोमीटर चले और ऐसा लग रहा था 3-3.5 किलोमीटर चल दिया। जो गुई है जहाँ हम रुकने का सोच रहे हैं, जहाँ पानी का सोर्स है, वो यहाँ से इस पॉइंट से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है, और शाम होने वाली है तो उससे पहले पहुँचने का ट्राई करते हैं, क्योंकि कैंप तो कहीं पे भी लगा लेंगे, अगर पानी का सोर्स नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलो फटाफट कवर करते हैं अभी ये रास्ता। मिल गया पानी का सोर्स, मिल गया एकदम हल्का सा पाइप फटा हुआ है वहीं पे। यहाँ से एक्चुअली 3 किलोमीटर है जहाँ तक पानी का सोर्स नहीं है। ये रहा पानी, मिल गया भाई पानी का सोर्स, ये रहा मिल गया। बहुत हल्का हल्का निकल रहा है पर बढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हम गुई तक कवर नहीं कर सकते, और आगे जाके कहीं जगह देख के वहीं पर हम टेंट करेंगे और यहाँ से जितना हो सकता पानी भर लेते। चलो फिर पानी भरते फटाफट, लेट नहीं करते, शाम होने वाली है, 5 बजने वाले हैं, उससे पहले हमें टेंट लगाना है। प्रेशर बहुत तेज है, 1 सेकंड में पानी भरने वाला है, भर के जाएंगे यार चाहे रात हो जाए। हाँ, तो पानी तो भर लिया हमने, पर ऑलमोस्ट 10 लीटर पानी भरने भरते हुए 20-25 मिनट लग गए, बहुत स्लो था प्रेशर। तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है और हमारी लग चुकी है वाट। सीधी चढ़ाई है, मतलब कहीं कोई प्लेन एरिया है नहीं, पूरी चढ़ाई 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 जैसे राउंड 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 वैसी है। और जब से पानी भर लिया है ना, तो तब से हो गया है कि वेट 5 किलो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, 5 लीटर, तो ऑलमोस्ट 20 किलो वेट्स लेके चढ़ाई कर रहे हैं। और जब से पानी लिया तब से इतना मुश्किल हो गया चढ़ाई करना, अब कहीं जा नहीं रहे हम। यही बीच में रास्ते में एक शेड मिला है, वहीं पर टेंट लगाएंगे, फिर कल हम आगे निकलेंगे। तो चलो फटाफट पहुँचते हैं वहाँ तक। स्नीकर्स लिख लिया इन दोनों ने और धोखा हो गया हमारे साथ। ये तो सोचा शेल्टर है जहाँ कैंप लगाएंगे, वो साला लगा निकला पत्थर, फट चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है, पता नहीं कहाँ है वो शेल्टर जहाँ हम कैंप लगाएंगे। तो बस टॉर्च जला के निकलेंगे अभी, सीक्वेंस खत्म हो गई, आ गई होगी जितनी एनर्जी आनी है।
चलो फिर ढूंढते हैं हम अपना स्पॉट कैंप लगाने का। आज का ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हाथ सुन पड़ चुके हैं। चलो मिलते हैं आपका। तो बहुत अंधेरा हो गया, मतलब सारा पूरा ही अंधेरा हो गया, और हम पहुंच चुके हैं जो शेड बता रहे थे बार बार, ये रहा शेड ऊपर, क्योंकि ये एक शेड बना हुआ है। तो यही आज रुकेंगे यहाँ पे, आग की आग जलाने का भी वहाँ पे ठिकाना है। बट इज अ गुड प्लेस फॉर नाउ। आसपास कुछ नहीं है, कोई व्यू नहीं है, बिंग फ्रेंक पेड़ है, पीछे भी पेड़ है। सोच लो जंगल के बीच में एक शेड मिल गया, वहाँ पे हम टेंट लगा रहे हैं। तो चलो टेंट लगाते हैं। लग चुका है टेंट हमारा, पीछे ये रहा और बॉनफायर भी हो चुकी है। अब हम अपने आपको क्या देते हैं, गर्मी देते हैं, फिर कुछ बना के खाएंगे। सूप भी है, ठंड बहुत लग रही है, कान तो मेरे फील भी नहीं हो रहे, पूरा सुन हो रहे थे इसके बारे में। सारे टूटे गिर पड़ेंगे, लिटरली फील नहीं हो रहा है।